अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की रेसिपी कुछ अलग है, कुछ हट के हैं और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वीट सी रेसिपी है, क्रीमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग। ये बहुत ही स्वीट सी रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्टी है, बूढ़े से बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी इसे बहुत चॉइस करेंगे क्योंकि ये है ही इतनी सॉफ्टी, छोटे से छोटे बच्चे भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी जो भी वीडियो मैं डालूँगी वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप देख पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं क्रीमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो मैंने 3 चम्मच चीनी लूँगी और इसे पानी नहीं डालना है या फिर दूध कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे इसी तरह से चीनी को मेल्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये चीनी हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगी है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से मुझे चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये चीनी जल भी जाएगी क्योंकि मैंने इसमें पानी या फिर मिल्क कुछ भी ऐड नहीं की हूँ। और इसी तरह से ब्राउन करना है, तो देखिए इसकी कलर कुछ डार्क नहीं है और कुछ लाइट भी नहीं करना है, इस तरह से करेंगे नहीं तो तीता हो जाएगा ये अगर जल जाएंगे तो। तो ये हो गई है रेडी, इसी तरह मुझे रखना है, इसे ज़्यादा नहीं करूँगी और गैस की फ्लेम बंद कर दी मैंने। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ही इजी है बनाना, इस रेसिपी को मैं बिना हवन बिना कुकर या फिर गैस बिना जलाए हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं और ये बहुत ही इजी बन जाती है। तो बस मुझे थोड़ी सी इसे मेल्ट कर ली और मैंने जिसमें डालने वाली हूँ इसी में मैं सेट करूँगी, तो इसी में मैंने डाल दी। ये है केक टिन, इसमें मैं बनाती हूँ केक और मैं एक जार ले लूँगी और इसमें 1 कप मैंने दूध डाली और ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर और इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी डालूँगी, मैं 2 ही चम्मच चीनी ऐड की हूँ। और ये है 3 ब्रेड और इस किनारे को साइड कर लेंगे यानी काट काट के हटा लेंगे इसे। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी बन जाती है, 5 से 7 मिनट में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और इसे कुकर या फिर किसी भी कढ़ाई में हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो आप एक एक टिप्स को आप इसे फॉलो कीजिएगा तो आपकी बिल्कुल ऐसे ही क्रीमल कस्टर्ड रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट बन गई है और इसे हम एक पेन को गर्म करके रखी हूँ, वही पेन है जिसे मैंने चीनी को मेल्ट की थी और इसमें मैंने जो भी डाली थी उसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड है इसलिए, और इसे चलाते हुए पकाएंगे। देखिए ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, ये थिक हो रही है, आप देख रहे हैं, बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे आपको पकाने में और ये रेडी हो जाएंगे। बस इसी को थोड़ी सी मुझे टाइम लगेगी, 2 से 3 मिनट, बाकी टाइम नहीं लगने वाली है। तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, आप इजीली आप अपने घर पे बना सकते हैं और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये क्रीमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग रेसिपी बहुत ही यम्मी होती है और मैंने जिसमें चीनी वाली जो मेल्ट करके रखी थी ना उसी में मैं इसे डाल दूँगी और इसे मैंने डाल करके इसे कुछ भी मुझे नहीं करना है, यानी इसे थोड़ी सी भी यानी गैस पे या फिर कुकर में इसे कुछ नहीं मुझे करना है, बस थोड़ी सी इसे टैप कर देना है और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो इसे थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं, उसके बाद हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। 2 घंटे के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी क्या टेक्चर है और क्या रिजल्ट है। 2 घंटे हो गई है, अब इसे हम निकाल करके आपको दिखाते हैं और सर्व करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कैसी बनी ये क्रीमल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग।
तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बन करके रेडी हुई है। सोच भी नहीं सकते हैं जो इतनी आसानी से इतनी अच्छी रेसिपी बन सकती है। तो देखा आपने कितना इजी है बनाना। और साथ में मैंने गार्निशिंग पुदीने की छोटी सी एक कलियाँ थी उसे मैंने इस पर गार्निशिंग कर दी ताकि उसे थोड़ी सी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और ये माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही है। तो चलिए इसे हम कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट कितनी नरम है। ये बिल्कुल जेली की जैसी ही है, बहुत ही सॉफ्टी है। तो आपने देखा कितना इजी है ये बनाना और कितना सिंपल है। तो आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी मानिए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको 5 से 7 मिनट के अंदर में आप एक स्वीट सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं अपने घरों में और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप ये 5 मिनट में स्वीट सी रेसिपी तैयार कर लें। तो है ना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। आप अपनी हौसला मुझे ज़रूर दिया करें। और आप सभी मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लिया करें। और मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।